हमारे इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द का जो माहौल है, वो काफ़ी मैकेनिकल होता जा रहा है। हमारी थिंकिंग काफ़ी मैकेनिकल होती जा रही है, मैकेनिकल इन टर्म्स के हम एक ही साइकिल में घूमते चले जा रहे हैं। मैंने, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने रेड ग्रीन ब्लू RGB में काम किया है, जो कि कंप्यूटर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मैंने बहुत कम शोज़ देखे हैं जहाँ पे काफ़ी इंटरेक्शन होता है, सही। और आई थिंक इस शो में काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है पीपल के साथ, लोगों के साथ, और इट्स अ गुड साइन है। Got a very good response, माशाल्लाह से। My work is over here. इससे कौन से कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। एक आम जबान में तो यह है कि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स देखें तो आप और अपनी अपनी ज़ात को रिजॉल्व कर लें, अपने ईगोइस्टिक और चीज़ों से निकल जाए, तो फिर आप एक आगही का भी एक सफ़र आ सकता है और एक विजन भी आपका ब्रॉड हो जाता है। मेरा भी काम मूवमेंट के लिहाज से, मैंने एक दिन ऐसे बैठ के मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए हैं, तो मुझे लगा कि 48 से अगर मैं काउंट करूं, 47 हटा के 48 से, तो 2011 तक पूरे 64 साल हो गए हैं। तो मुझे एकदम से फैसिनेट हुआ कि अच्छा 64 साल हो गए हैं, शतरंज का जो बिसात होती है उसमें 64 खाने होते हैं। मैंने कहा हमने एक बाजी पूरी खेल ली है, तो जब आप एक बाजी खेल लेते हैं ना तो वो बाजी ख़त्म हो जाती है, फिर आप नई बाजी खेलते हैं। तो बस वहाँ से मुझे ख्याल आया, तो मैंने वो पहली बाजी बनाई, उसका नाम बाजी है। उसके बाद ये जो काम है पीछे जो आपने बनाया है, इसका है नाम चालबाजी, जो इस वक्त हो रहा है, और फिर ये नई बाजी। असल में मेरा टाइटल जो है वो सबर का फल है, और 64 इयर्स में जो हमें हम भैया पाकिस्तानी और हमारे शहर को और हमारे मुल्क को जो 64 इयर्स में सबर का फल मिल रहा है वो क्या है, आप इसमें देखेंगे कि जिस तरह से मैंने डिटेल दी है, अपने काम में टेक्सचर दिया है कि उनको इंसेक्ट्स ने जो है वो बाइट लिया हुआ, खाया हुआ है। तो वो एक्चुअली जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो हमें समझते हैं कि हम कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन मेरी एक आर्टिस्ट की नज़र में शायद वो कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे मुल्क को और हमें खा रहे हैं।